अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube फैमिली और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए देखने वाले हैं मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बिहारी पसंदे हैं, आप उसको बोटी कह सकते हैं, आप किसी चीज़ का भी नाम दे सकते हैं। पतले पतले पारचे काट के मैंने उसको बनाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कराती हूँ। इसके लिए मैंने ये हाफ के जी मैंने ये बीफ लिए, आप चाहें तो मटन ले लीजिए। तो उसके पत्ते पत्ते से इस तरह के मैंने पीस किए। और इसके अंदर जो स्पाइस रहेंगे ये मैंने 1 टेबल स्पून किसी ब्रांड का सीख मसाला लिया, मैंने कुछ भी ले लिया। और मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिए है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, और 1 टीस्पून ये आपका रेड क्रश चिली है फ्लेक्स है, और ये क्यूमिन है। इसको मैंने हल्का हल्का सब कूट लिया है, भूनना नहीं है, रोस्ट नहीं करना। एंड ये 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ये सॉल्ट है, और ये 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है, और ये 1.5 टेबल स्पून ये कोकोनट फ्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, ठीक है। और ये है मेरे पास ये 3 टेबल स्पून के करीब ये योगर्ट है, ये जाएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स करके एटलीस्ट 1 आवर के लिए इसको रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो उसको रखिए, तो और ये ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे। और हम इसके अंदर हम इसको स्मोक देंगे कोयले का, अगर आप नहीं देना चाहें तब ना दें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे मैं एक फ्लेवर के लिए कर रही हूँ ताकि एक बार भी कोई फ्लेवर्स आए। तो चलें मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ 1 घंटे के लिए, फिर मिलते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं वेजिटेबल बना लूँ, तो मैंने देखा मिर्चों के अंदर मसाला भरा है इसमें, और ये जालापीनो मैंने एक ली है। तो इसको मैं ग्रिल करती हूँ। अब हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम 1/2 कप डालेंगे। चलो हमें डाल देंगे सारे, और हमने इसको लो फ्लेम रखना, ठीक है, ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, हम लो रखेंगे। किचन में सारे डालते हैं, चले। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम तकरीबन इसको आधा घंटे तक करेंगे, फिर हम चेंज करेंगे, ठीक है, फिर हम मिलते हैं। देखते हैं ये हमारा तकरीबन हो गया, माशाल्लाह जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें इस पोजीशन में बिल्कुल गल गए हैं ये, और अब बस हम इसको कोयले का इसमें रख देंगे। तो मैं पार कर रखती हूँ, ये देखें ये हो गया। अब हम इसको कोयले की धोनी देते हैं, देखिए ये मैंने बना के रखा है। अब इसके अंदर कोयला डालती हूँ, चलो हम इसको ढक्कन बंद कर देते हैं ऐसे ताकि स्मोक इसके अंदर ही रहे। फिर चले जब ये स्मोक निकलती है फिर हम डिश आउट करते हैं। ये देखें तैयार हो गए, हमने यहाँ पे इसको डिश आउट कर दिया। और ये मैंने ये वेजिटेबल बनाई थी, और ये हरी मिर्च है, इसके अंदर मैंने चाट मसाला भरा था, और अभी इसके अंदर आप लेमन छिड़कें, आप चाट मसाला छिड़कें तो आपको बड़े मज़े का लगेगा। तो मैंने इसको रोटी बनाई है इसके साथ खाने के लिए। तो चलिए आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके तो बेल के बटन को क्लिक करें। चलिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।